तो ये शुरू दिन से वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का, बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझेंगे, परवेज हुड बाय को। अगर आप आंख बंद करके ये वीडियो देखते हैं तो आंख बंद करके आपको ऐसा लगेगा कि आप तारिक फतेह को सुन रहे हैं, उसी तरीके की कुछ ये बातें करेंगे बेसिकली जो पाकिस्तान की रियलिटी है। और इनके फैन पाकिस्तान में नहीं है, इनके भारत में भी बहुत ज़्यादा हेटर है, एक खास कम्युनिटी जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नंबर पर मुस्लिम, ऑब्वियसली मैंने देखा इनको भारत के मुस्लिम कई लोग तो ट्विटर वगैरह पर देखा इनको CIA का एजेंट बोलते हैं, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए जो मतलब एक डेफिनेटली नॉर्मल दुनिया के लिए है, तो वो एक्सपोज करते हैं, तो इसलिए इनके हेटर ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में भी इनको काफ़ी हेट किया जाने लगा है, लेकिन आप इनकी बातें सुनकर समझ जाएंगे कि इनको हेट क्यों किया जाता है। दोस्तों जो एंकर है उसका लास्ट सरनेम बाजवा है और उसको लेकर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा वीडियो के आखिरी में, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में आप देखेंगे एंकर जानबूझकर हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहा है, उसके बारे में वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। कह रहे थे आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है जिसे द प्रिंट ने छापा है और ये एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा, मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात, पाकिस्तान को इसका मतलब पाकिस्तान भी एक अबनॉर्मल मुल्क है। यस यस, पाकिस्तान एक अबनॉर्मल यस अबनॉर्मल मुल्क है, और मैं इसकी वजाहत अब करना चाहता हूँ। एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है, सबसे पहले अपनी अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह करें। अरे भाई ठीक है कश्मीर में जुल्म हुआ, बहुत खराबियां हैं वहां पे, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर मोदी हुकूमत जो है वो मैं उसको बुरा समझता हूँ वगैरह, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात तो सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक ही चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अब देखिए यहाँ तरह तरह की खराबियां हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गरीब और अमीर में फर्क बेइंतहा बढ़ा है। यहाँ जो जो बासर तबके हैं और इसमें फौज और सियासतदान दोनों शामिल, वो इस हाथ से भी छीनते उस हाथ से भी छीनते, देखें उन्होंने कितनी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, औने पौने वो खरीदते हैं, खरीदते भी क्या उनको तोहफा मिलता है और फिर अरबपति बन जाते हैं और किसको बेदखल करते हैं, बेचारे गरीब को। तो जो जो किसान है जो मजदूर है उसको तो उन्होंने उठाकर एक तरफ कर दिया। मैं समझ रहा हूं। अच्छा तो ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा मैं ये समझ रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए ये रवैया नॉर्मल नहीं है, ये जब मुल्क ही नॉर्मल नहीं है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही अब नॉर्मल है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि आप मुल्क के बारे में कह रहे हैं पाकिस्तान ही अब नॉर्मल मुल्क है? हमारे रवैये, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के रवैये अब नॉर्मल है, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का, बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ अच्छा मुल्क नहीं है, भारत एक नॉर्मल मुल्क है? हाँ हाँ वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते, भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, उनकी पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है जी, उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात दे जेर करना है, उनकी सुई नहीं अटकी है। ना ना ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है, लेकिन सुनिए सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखे कितनी है, पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर, और पाकिस्तान जिसमें से वो 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं जो भी है और 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं ऐसे भी नहीं है, मैं फिगर पढ़ गया। ठीक है ठीक है, होगा तिजारत तो है ना। अच्छा पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। हाल वो मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ी है। आपके मुताबिक भारत अब नॉर्मल मुल्क है और पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है, ये मेरे सामने शशि थरूर की एक स्टेटमेंट पड़ी है, वो कह रहे हैं कि कायदे आजम ठीक कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ ही रह सकते, और उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही है और कहते हैं मगर मतलब ये जो सलूक मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो कहते थे कायदे आजम ठीक कहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, पर आज
मतलब जिसको आप एक सेकुलर नॉर्मल मुल्क समझते हैं, वहाँ पे आपको पता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर जिसे आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल मुल्क है, मेरे सामने ये चीज़ें पड़ी हैं जिसमें ये नज़र आता है कि शायद भारत दुनिया में 10वें मुल्क पे नंबर पर है जहाँ पर ख़वातीन का सबसे ज़्यादा रेप होता है, जहाँ पर ख़वातीन पर सबसे ज़्यादा जिंसी ज़्यादती होती है, जो 10वें नंबर पे है आपके ख्याल में वो एक नॉर्मल मुल्क है? मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। अच्छा, मैं अब इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, नॉर्मल मुल्क इस लिहाज से कि वो सबसे पहले अपनी इक्तसादी माशरती तरक्की को फोकियत देता है, जिस तरह, और इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान कोई अच्छा मुल्क है कि उधर जुल्म नहीं होता, कि उधर जो गैर जो दूसरे लोग हैं, जो अकलियत हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है, बिल्कुल नहीं। मोदी ने जो कश्मीर में किया, मोदी जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने कि मैं उसको बुरा कहूँ, लेकिन उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुँची है, वो खला में पहुँचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। उधर जो उनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं, उधर जो साइंसी तहकीक है ऐसी है कि हम रश्क करते हैं देखकर। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल मुल्क की अलामत बनती हैं। हमने कायदे आज़म आपके ख्याल में नॉर्मल लीडर थे? वो बहुत शानदार लीडर थे, वो मेरा ख्याल है कि उनके बगैर तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान बनना ठीक था? पाकिस्तान बना, अब ठीक था या गलत था? ये तो देखें, पाकिस्तान ठीक का बनना ठीक तब साबित होगा जब हम यहाँ पर एक ऐसा समाज कायम कर सकेंगे जहाँ लोगों को, अक्सरियत को इंसाफ मिलेगा, जब यहाँ तबकात में फर्क कम होगा, जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा। तो का है, यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है? आप नहीं नहीं नहीं, ये तो तारीख तय करेगी कि बनना ठीक था कि नहीं। कि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज वोदबाय क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक, छोड़ने क्या होगा सर, अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था? अभी तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता, वो कहता है कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था, क्यों हमसे ये इतने नाराज हैं? हाँ, अगर सिर्फ दो कौमें थीं तो बताइए कि वो कौम अलग क्यों हो गई और वो आज कोई घास नहीं डालती आप? यानी कि आपके कहने का मतलब है दो कौमी नजरिया भी गलत था? ये वाजे हो गया कि उन्होंने कहा कि दो कौमें नहीं है, हम एक अलग कौम है आपसे, हम मगरबी पाकिस्तान की कौम से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ते, तो दो कौमें कैसे हुई आप बताएं? इसका मतलब है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, तो बिल्कुल वाज़े दो कौमी नजरिया नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और तो और ठहरिए इस बार, यहां जो दूसरी कौमियतें हैं पाकिस्तान में, जिनका गला दबोचा गया है, जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनमें बलोच है, उनमें सिंधी है, उनमें पठान है, उनकी आवाज तो ऊपर आने ही नहीं दी जाती। पीटीएम को जिस तरह से क्रश किया गया, तो क्या दो कौमें हैं? कौन कहता है कि दो कौमें हैं? तो ये वीडियो खत्म होता है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति, मतलब अगर किसी व्यक्ति को धर्म बदल, मतलब कोई कोशिश करता है कि इसका धर्म बदला जाए, तो वो मतलब 4-5 तरीके से बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है, या तो फोर्सफुली, या तो फिर उसको पैसे का लालच दे, या तो फिर आप समझ सकते हो, या तो फिर उसकी ऐसी जगह प्रॉपर्टी फंस जाए, और अगर वहाँ पर, मतलब ये मैं पास्ट के इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर ऐसा पार्टीशन हो जाए, तो फिर उसको प्रॉपर्टी छोड़कर जानी पड़े, तो फिर वो ऐसा करे कि भाई इससे सब मैं धर्म ही चेंज कर लेता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी रहेगी, इस तरीके के। बहुत कम 10-20 लाख में एक लोग होते होंगे कि वो किसी दूसरे धर्म की बुक पढ़कर उनको ऐसा विचार आए तो फिर वो धर्म परिवर्तित कर लें अपना। तो ये एंकर भाई साहब हैं बाजवा, आप समझ सकते हो बाजवा किस कम्युनिटी से बिलोंग, बाजवा बेसिकली सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते। पाकिस्तान में बहुत सारे बाजवा, रंधावा, गुज्जर और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, बहुत सारी, और वो तो खैर अपने आप को अरब और ये फलाना ठिकाना मानते हैं। ऐसे भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, जिनके 1947 में कई सरदार थे, वो बाद में मुस्लिम बन गए, उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमीन थी, जायदाद थी, कोठी थी, तो उन्होंने सोचा इस चीज़ को
छोड़ कर जाने से अच्छा तो मैं मुस्लिम बन जाता हूँ। तो वो एक प्रकार से डेफिनेटली उनके ऊपर एक दिक्कत आई, तो उन्होंने अपना ये किया। और उसके पहले की भी आपको हिस्ट्री पता है, अब हिस्ट्री में जाने से क्या फ़ायदा। मेरा यहाँ पर बेसिकली फंडा बोलने का ये था कि 10-15-20 लाख में ही एक बंदा होता होगा जो किसी दूसरे धर्म की बुक पढ़े और इतना इंस्पायर हो जाए कि वहाँ घुस जाए। ऐसा बहुत कम होता है, आपको भी पता है। अगर आप लॉजिकली सोचें तो कई लोग तो कभी खुद की धर्म की बुक नहीं पढ़ते, वो बस धर्म के नाम पर आपको भी पता ज्ञान देते रहते हैं। तो दोस्तों, इस एंकर का मेन टारगेट था कि किस तरीके से पाकिस्तान की प्रॉब्लम को हूँ मैं हिंदुस्तान के ये हिंदुत्व आरएसएस ये इस सब चीज़ों से काउंटर करूं। अगर हिंदुस्तान में हिंदू इस तरीके से एग्रेसिव होते तो 1947 में जो मुस्लिम के नंबर थे यहाँ पर वो इतने ज़्यादा ना बढ़ते, इतने अच्छे से वो ना रहते, इतने अच्छे से हर क्षेत्र में आगे ना बढ़ते। आपको भी पता है कि इनका ये प्रोपेगेंडा है किस तरीके से यहाँ के मुसलमानों को भड़काएं, ये करें वो करें। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग भड़कते भी हैं, आपको भी पता है धर्म के नाम पर कितने पागल हो जाते हैं लोग, पागल ही हो जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, हिंदुस्तान के हों। ये मुसलमान अभी फ्रांस के खिलाफ जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, आप उसको देखकर समझ सकते हो। दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ अलग तरीके का हुआ था। पाकिस्तान में तो नेक्स्ट लेवल का हुआ था, आपको भी पता है। तो पागल हो जाते हैं। तो आपने परवेज़ उठबाई का वीडियो देखा, अगर आप इसको वीडियो देखकर आपको समझते हैं कि इन्होंने क्या बातें की। हालांकि भारत के खिलाफ अब जब एंकर मुंह में बोल ही रहा है कि बार बार भारत को ला रहा है, तो उनको भी बोलना पड़ा। और जो उनका नज़रिया है, ठीक है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।